हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडलिस्ट यूट्यूब चैनल। दिस इज संजीव कौशल एंड आज का वीडियो अगेन आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज इसमें हम सक्सेस स्टोरी है जो वो तो शेयर करेंगे, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली यूएई से, दुबई से, किसी भी एमिरेट से अपना वीज़ा ले सकते हो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 3-6 महीने 8 महीने 10 महीने काम करने के बाद में, थोड़ा पैसे कमाने के बाद में। फर्दर अगर आपका ड्रीम है किसी अच्छी कंट्री के लिए मूव होने का या किसी अच्छी कंट्री में ट्रैवल होने का, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम ख़राब किए या बिना कुछ और किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं मेरे सारे व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि यूएई के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही ऐसी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। अगर आप इंडिया में किसी अच्छी कंपनी में, पाकिस्तान में, फिलिपीन्स में, या किसी भी कंट्री के अंदर, आपकी होम कंट्री के अंदर किसी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास में कोई ना कोई स्किल है, तो ईज़िली आप यूएई के अंदर यहाँ पर आके खुद विदाउट पेइंग टू द एजेंट्स आप यहाँ पे आके, बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिधर जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी ऐसी ही है मेरे एक भाई की जो कि इंडिया से आया था। इंडिया में ये लॉकडाउन में जब कोरोना बूम पे था, कोरोना शुरू हुआ था 2022 के अंदर, 2020 के अंदर, तो ये दुबई में आया था। उस कंडीशन के अंदर भी इसको अच्छी जॉब मिल गई है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब मिल गई है। आफ्टर दैट इसका प्लान था यहाँ पे आके रह के 6 महीने 8 महीने के बाद में आगे फर्दर किसी कंट्री में जाने का। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप दुबई से इजीली जा सकते हैं, बिकॉज इस कंट्री के अंदर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स, अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 2,000, 3,000, 5,000, 4,000 ऐसी भी लगती है जेन्युइन जॉब में, तो भी इट्स इनफ टू अप्लाई अ वीज़ा। 2,000 मतलब इंडिया का आई एन आर 40,000 हो गया, तो 40-50,000 आपकी मिनिमम अगर पर मंथ की इनकम आ रही है, आप एक अच्छे से अपना बैंक अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट में आप अपनी सैलरी डालो। शेनिंगन वीज़ा के लिए 3 महीने की एटलीस्ट हमको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है इन ऑर्डर टू अप्लाई या शेनिंगन वीज़ा। अगर आप किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो जैसे यूके हो गया, यूएसए, कनाडा हो गया, तो उसके लिए आपको 6 महीने तक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, 1-2 छोटी कंट्री का ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये इनका यहाँ का वीज़ा था, यहाँ पर इन्होंने आके अपना अच्छा वीज़ा ले लिया। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हो, कंपनी में अगर आपका कोई रिलेशन है या थोड़ा बहुत आप सर्विस फीस या एजेंट को किसी को यहाँ पे हायर करके, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर करके, तो उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीस दे के, या फिर आप अपना फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हो, खुद का वीज़ा ले सकते हो। बहुत सारी अभी यूएई मार्केट में अंदर यूएई गवर्नमेंट ने भी फ्रीलांस वीज़ा को अलाउड कर दिया है, तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप अपना अच्छी प्रोफेशन का वीज़ा ले सकते हो, खुद का यहाँ पे कंपनी स्टेबल कर सकते हो। तो उस तरीके से अगर यहाँ पे आपका कोई अच्छा प्रोफाइल बन जाता है तो यहाँ से फर्दर वीज़ा लेना बहुत आसान है। तो ये इनका हमने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया है शेनिंगन का, स्विट्ज़रलैंड का। इनसे पहले इन्होंने ना तो कभी इंडिया में शेनिंगन वीज़ा अप्लाई किया है और ना ही कभी दुबई में शेनिंगन वीज़ा अप्लाई किया है। दिस इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट और इनको पहले अटैम्प्ट में ही ये वीज़ा मिल गया। हालांकि ड्यूरेशन इसका सिर्फ 20 डेज़ का है, लेकिन फिर भी अगर आपको शेनिंगन वीज़ा मिलता है तो नेक्स्ट टाइम आपको 3-6 महीना ऐसा वीज़ा मिल सकता है। और इसी वीज़ा में आप वहाँ पे जाके अपना जॉब सर्च भी कर सकते हो, जैसे आप दुबई में विजिट पे आके जॉब सर्च करते हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन है शेनिंगन के अंदर। आप पुर्तगाल के अंदर, माल्टा के अंदर, पोलैंड के अंदर और स्पेन में, इटली में, ये कंट्री हैं जो विजिट वर्क अलाउड करती हैं, तो आप उन कंट्री के अंदर जाके अपनी जॉब सर्च भी कर सकते हो। वहाँ पे भी लोकल आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे, कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी जो आपको इस पर्पज़ के लिए भी हेल्प करेंगे। तो ये वीज़ा अप्लाई करने की कॉस्ट जो यूएई के अंदर आती है, दुबई के अंदर आती है, इट्स 800 दिरहम ओनली, जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है, जिसके अंदर हम आपको पूरी फाइल भी बना के देंगे। वो विल मेक योर अपॉइंटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल टिकट्स, कवर लेटर एंड योर आइटनरी प्लान। तो कौन सी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे करना है, दैट वी विल असिस्ट यू अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। मैं आपको बताऊँगा कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी है और कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कितना आपका बैंक बैलेंस दिखाना चाहिए। मिनिमम 3 महीने आपको स्टेटमेंट दिखानी है जिसमें कम से कम 12,000 या उससे ज़्यादा आप बैंक स्टेटमेंट बैलेंस दिखा सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस। और आपकी कंपनी से आपको एनओसी लेटर चाहिए, आपका पासपोर्ट फोटो, आईडी, वीज़ा कॉपी, दैट्स द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई शेनिंगन वीज़ा। तो
यही है, जैसे इस भाई ने सक्सेस लिया है, वीज़ा लिया है हमारे थ्रू, आप खुद भी कर सकते हो अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपकी फाइल अच्छी बनी हुई है, आपका कवर लेटर अच्छा बना हुआ है, तो इजीली यू कैन क्रैक योर शेंगेन वीज़ा। शेंगेन यहाँ से बहुत इजीली हो सकता है अगर आप अच्छे से अपना फाइल बनाओगे। आफ्टर शेंगेन ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप घूम फिर के वापस आते हो, तो हम आपका लेटर ऑन यूके के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जापान के लिए, तो ये कंट्रीज़ के लिए भी आपका वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस आर वेरी हाई। अनदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट के पास में शेंगेन का वीज़ा है उसको मैक्सिको का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो जिन बंदों का मैक्सिको जाने का या US जाने का ड्रीम रहता है, तो वो भी शेंगेन वीज़ा से ही ऑन अराइवल अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू द वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।